और देखो आप हर एंगल से एकदम क्लियर दिख रही है आपको वीडियो। Hey guys, welcome to channel. I hope you guys are doing extremely well. और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। यूजुअली मैं मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड स्टफ पोस्ट करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, बट आज मैं आपको गाड़ी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। ये एक एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम है, ये 9 इंच का है, 9 इंच का डिस्प्ले है इसका, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम है। सो गाइज, मेरे पास सियाज है जो कि 2015 मॉडल है और वो एक बेस मॉडल की गाड़ी है। सो मैं चाहता था कि उसमें कुछ अपग्रेड हो, और 4-5 साल पुरानी हो चुकी है ऑलरेडी वो, तो काफ़ी बोरिंग लगने लग गई थी मुझे। तो आई जस्ट थॉट कि कुछ अपग्रेड, कुछ चेंज होना चाहिए, काफ़ी बोरिंग हो रहा था। सो मैंने एक मेरे दिमाग में बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम थे, मैंने सोचा पायनियर, सोनी, ये सब, या फिर मैंने सोचा कि मैं अपने जो मारुति में कंपनी का जो मॉडल आता है टॉप एंड में, मैं वो इंस्टॉल करूँ जिसमें नेविगेशन और सब कुछ आता है। लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, वो मुझे ऑलमोस्ट 30-35 थाउजेंड का पड़ रहा था, और वो साइज़ में भी काफ़ी छोटा था। ये जो मैंने म्यूजिक सिस्टम लिया है ऑलमोस्ट नाइन इंच का है। ये 9 इंच का डिस्प्ले है, और जो कंपनी वाला आता है वो आई थिंक 6 या 7 इंचेस का होता है, और उसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस दैट आई एम ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस मॉडल, दिस एंड्रॉयड डिवाइस। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आई विल लीव ईच एंड एवरी डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन। ये कितने का है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये कितने का है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गेट इन टच विद मी। सो चलो चल के देखते हैं इसको। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी 2015 मॉडल सियाज, और ये पेट्रोल वेरिएंट में है, बेस मॉडल है, एकदम बेसिक मॉडल है ये, इसमें कुछ भी फैंसी स्टफ नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग पे कोई कंट्रोल्स नहीं है, एकदम बेसिक है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं है। सो मैं सोच रहा था इसमें एक न्यू म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल करना। इसमें जो पहले म्यूज़िक सिस्टम आता था वो बहुत ही बेसिक सा होता था, जिसमें यहाँ पे येलो कलर की एक लाइट होती थी, उसमें ऑक्स और पेन ड्राइव ही यूज़ होता। आप लोग देख सकते हैं इसमें सुजुकी का लोगो आया है, और ये लोगो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोगोस दिए हुए हैं, तो ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। खाली इसकी जो केसिंग है, जो आप साइड में देख सकते हैं, ये सियाज के हिसाब से है, ये जो केसिंग है, ये केसिंग चेंज होती है, बाकी ये जो मेन स्क्रीन है, जो इसकी मेन यूनिट है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है हर गाड़ी, आप किसी भी गाड़ी में ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। सो गाइज, ये है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं अलग अलग तरीके के। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मॉडल है ये है 10 इंच का डिस्प्ले है इसका, आप देख सकते हैं इसमें, और फिट एंड फिनिश बहुत ही परफेक्ट है, कोई साइड में गैप नहीं है किसी भी तरीके का, आप लोग देख सकते हैं कहीं कोई गैप नहीं है, एकदम जेन्युइन फिट है जैसा कंपनी का म्यूजिक सिस्टम आता है, और ये उससे फार बेटर है, फार बेटर। जो कंपनी का है टॉप एंड में ZXi प्लस में जो मॉडल जो म्यूजिक सिस्टम आता है वो ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड है, और वो इससे स्क्रीन में साइज भी छोटा है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ ग्लिचेस है। तो गाइज, ये है एंड्रॉयड सिस्टम, ये टॉप वेरिएंट है इस, ये 2GB रैम के साथ आता है, और इसमें 16GB है इनबिल्ट स्टोरेज स्पेस, ठीक है, और ये गोरिल्ला ग्लास के साथ आता है, कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास है, जिसमें स्क्रैचेस वगैरह कुछ नहीं पड़ेंगे, आप इसको कैसे भी नेल से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, आप इस पर देख सकते हैं कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। और ये HD डिस्प्ले के साथ, इसका डिस्प्ले और टच बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप इसमें पूरा सब कुछ, इवन गूगल क्रोम भी चला सकते हैं, ठीक है, और देखिए आप यूट्यूब में इसमें वीडियो सीधा यहीं से चला सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, और फिट एंड फिनिश भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लोगोस कैसे चेंज हो सकते हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा एक एंड्रॉयड बेस्ड है, आपको बस इसमें इंटरनेट प्रोवाइड कराना है कहीं से भी। मैंने अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर रखा है, आप यहाँ से वाईफाई ऑन कीजिए, जैसे हम नॉर्मल फ़ोन में करते हैं, वाईफाई ऑन कीजिए, यहाँ से लॉन्ग प्रेस कीजिए इसको, इसमें वाईफाई ऑन हो जाएगा, और ये वाईफाई अपने आप ही सर्च कर लेगा आपका। आप अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, और बस आपको इसको इंटरनेट प्रोवाइड कराना है कहीं से भी। आप चाहें तो इसमें पर्सनल हॉटस्पॉट डिवाइस भी रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर्स है। पहले मैं चेक करता हूँ, वाईफाई कनेक्ट हो गया,
वैसे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, मैंने अपने फ़ोन में इसका डाउनलोड कर दिया है। चलिए जितने ये इंटरनेट डिटेक्ट वाईफाई डिटेक्ट करता है, मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ कुछ। सो गाइज ये है नॉर्मल, बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं मैप्स है, यूट्यूब, स्पॉटिफाई ये मैंने डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग्स जैसे एक फ़ोन में होती हैं, बिल्कुल सारी वैसी सेटिंग्स हैं जैसे कि एंड्रॉयड डिवाइस में हो सकती हैं। और फिर आप वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें नॉर्मल लोकल म्यूज़िक, अगर आप इसमें म्यूज़िक सेव करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, कैलेंडर, बाकी नॉर्मल सेटिंग्स। मेन है यूट्यूब जो आप यूज़ करेंगे। सेकंड लिंक है फ़ोन लिंक, ये एक एप्लीकेशन है जो इसमें इनबिल्ट है, इससे आप एंड्रॉयड डिवाइस, आईफोन कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा जैसा आपका फ़ोन है वो वैसा यहाँ पे चलने लग जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा टच इसका बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेविगेशन के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें सीधा गूगल मैप्स चलेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेविगेशन आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास रेडियो है, आप रेडियो यूज़ कर सकते हैं, पहले से ही सेलेक्टेड है। of funds for centrally sponsored schemes to उसके बाद ब्लूटूथ, आप यहाँ से सीधा अपना फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। फिर है इसमें सेटिंग्स, यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं जो आप म्यूज़िक कनेक्ट करना चाहते हैं, साउंड की सेटिंग्स प्लस फैक्ट्री सेटिंग्स। और इसमें आप अपना कार का जो नॉर्मल कैमरा है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीधा आप रिवर्स गियर डालेंगे और सीधा इसमें कैमरा अपने आप आ जाएगा। उसके बाद गाइज जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इसमें मेरा फ़ोन, मेरा 1+6 इसमें कनेक्ट हो चुका है, तो अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। सो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही ऑसम स्टफ मिलने वाला है। तो मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाता हूँ अपनी, आप देख सकते हैं कितना स्मूथली चल रहा है। खैर इस एरिया में थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है और इसका साउंड आउटपुट भी बहुत बढ़िया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप पूरा YouTube यहीं से स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको कुछ, आपको कोई ऑक्स वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से चलेगा, सारी एप्लीकेशन यहाँ से चलेंगी, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अगर आप मैप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं मैप्स डालता हूँ। कहाँ जाने का मन है आपका आप बताइए, मैं यहाँ डालता हूँ काजा, हिमाचल प्रदेश में। मुझे सीधा मुझे अपने फ़ोन में अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सारा मेरा सिस्टम यहीं से ही चलेगा, ठीक है। बस ये अपने आप ही इसकी लोकेशन डिटेक्ट करेगा क्योंकि वहाँ पे एक वो नेविगेशन डिवाइस लगा हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। Head south east on Panchsheel Marg. ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ ही मिलेंगी, आपको कुछ एडिशनली कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे पार्किंग लाइट्स ऑन करूँगा तो यहाँ पे लाइट जल जाएंगे, आप देखेंगे ये रात को, दिन में नॉर्मल रहेगा। ये सब इसी से कनेक्टेड है, मेरी लाइट से कनेक्टेड है, आपको कुछ एडिशनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और क्या फीचर्स हैं, नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो कि मैंने आपको दिखाई हैं। आप इसमें साउंड, USB स्टोरेज, स्टोरेज मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको 16 GB की स्टोरेज वाला ऑप्शन है ये, जिसमें 12.3 GB, 12.31 GB आपको यूजेज के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसमें अपने से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी जैसे जैसे, बिल्कुल एक आपके एंड्रॉयड फ़ोन की तरह है। अब यहाँ पे सारी इवन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ से आप गाने प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे मेरा ये 1+6 फ़ोन इसमें कनेक्टेड है, यहाँ से मैं गाने प्ले कर सकता हूँ। चाहे तो मैं यहाँ से सीधा किसी को, अभी खैर मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है इसलिए,
यहाँ मैं करूँगा तो मैं सीधा यहीं से नंबर डायल कर सकता हूँ और कॉल कर सकता हूँ। दूसरी बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि इसमें कोई आपको एडिशनल माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे माइक दे रखा है, तो आपको कोई एडिशनल माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये स्क्रीन है, यहीं से ही आपकी आवाज़ डिटेक्ट कर लेगा, कुछ भी आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, ये है एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम। बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि ये किसी भी गाड़ी में लग सकता है, किसी भी गाड़ी में जिसमें इतना स्पेस हो, और ये जो इसके साइड की जो फिटमेंट्स आती हैं ये आपको एडिशनली अलग से मिल जाएंगी। आप किसी भी गाड़ी में, चाहे तो आप पुरानी 2008 2009 मॉडल वाली अगर स्विफ्ट है आपके पास, या और भी कोई भी गाड़ी है जिसमें इतना स्पेस हो इसको अकोमोडेट करने के लिए, ये किसी भी गाड़ी में लग सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये सियाज या और किसी गाड़ी के नहीं, चाहे आपके पास क्रेटा हो, कोई भी, इवन BMWs भी हो। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लोगोज आते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कार सेटिंग्स, तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो लोगो सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखिए एंड्रॉयड का लोगो आएगा, आप चाहें तो ऑडी का लोगो लगा सकते हैं, होंडा, ये कुछ चाइनीज कंपनी है, होंडा, पिजियोट, BMW, पोर्शा, आप किसी का भी लोगो लगा सकते हैं, जो भी आपकी गाड़ी है उसका लोगो है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुजुकी का ही है, जो आपके पास लोगो यूज कर सकते हैं आप इसको। सो गाइज, दैट्स इट। इसमें कैलेंडर भी है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, आप देखिए इसमें सब कुछ पहले से ही आ रखा है, ठीक है। और सो गाइज, दैट्स इट। ये था एक छोटा सा रिव्यू काइंड, और मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है, इवन साउंड का आउटपुट भी बहुत अच्छा है। सो गाइज, अगर आपको ये चाहिए तो मैं नीचे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और गाइज, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज ये बहुत ही सस्ता है, आप अगर कंपनी वाला भी खरीदेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट पड़ेगा 24,000 से 30,000 रुपए के आसपास। इवन आप अगर दूसरी कंपनीज का पाइनियर वगैरह ये सब देखेंगे तो आपको ये क्वालिटी और ये फिटमेंट नहीं मिलेगा, वो एक यूनिवर्सल से लगेंगे जिसमें साइड से अलग से पैनल दिख रहा होगा, ये फिनिश नहीं आएगी। आप देखिए ना, एकदम एंड टू एंड ये ऐसी फिनिश नहीं आ सकती उसमें कभी भी, और ये आप हैरान हो जाएंगे इसका प्राइस सुन के, ये है सिर्फ और सिर्फ 9,800 रुपीज़ का, 9,800 रुपीज़ का। जी हाँ, 2GB वाला वेरिएंट है ये, 16GB। इसमें एक 1GB वेरिएंट भी आता है जो कि इससे ऑलमोस्ट 1,000 रुपये सस्ता है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो फॉर दिस 2GB वेरिएंट, बिकॉज इसमें दो फायदे हैं। अब देखिए, इसमें IPS डिस्प्ले है, अगर आप साइड से भी देखेंगे तो आपको सही बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखेगा, ऐसा नहीं है कि आपको साइड से दिखेगा नहीं, इसमें IPS डिस्प्ले आएगा, गोरिल्ला ग्लास आएगा जिससे इसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, प्लस ये इससे फास्ट है और इसकी स्क्रीन क्वालिटी उससे बेटर है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस ओनली। एंड अगर आपको ये चाहिए, हम लोग पूरे इंडिया में, पैन इंडिया इसको डिलीवर कर देंगे। 9,800 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं या जो भी आपके शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट दिस। ये किसी भी गाड़ी में लग सकता है गाइज, आई रिपीट, ये किसी भी गाड़ी में लग सकता है, बट ये साइड के पैनल्स अलग आते हैं, बाकी ये सब यूनिवर्सल है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। अगर आपके पास बलिनो है, जिसमें अगर छोटी, आप यूजली लोग क्या करते हैं, छोटा मॉडल खरीदते हैं क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करना चाहते। तो गाइज, दिस इज़ अ मस्ट मस्ट अपडेट अगर आप म्यूजिक सिस्टम में, अगर आपको पसंद है ऐसा। सो गाइज, यू कैन गो फॉर इट। आप ये किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं, चाहे आपके पास BMW का कोई पुराना मॉडल हो, चाहे इनोवा, फॉर्चुनर, कोई भी गाड़ी हो, एंड दिस लुक्स फैंटास्टिक। आप वीडियो क्वालिटी भी आप इसकी देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया ही है, आप इसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं चाहूँ तो मैं अपना जीमेल खोल सकता हूँ सीधा यहीं पर, क्वालिटी देख सकते हैं इसकी वीडियो की। और देखो, आप हर एंगल से एकदम क्लियर दिख रही है आपको वीडियो। We'll be right back.
एंड गाइज आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही नीट लगता है, आप देखिए बहुत ही बढ़िया लगता है गाड़ी, कुछ ऐसा ही लगता है कि आपने कुछ बाहर से लगवा रखा है। आप इसकी फिट देखिए, क्वालिटी देखिए, एकदम फिटिंग देखिए, और बेस्ट पार्ट इसका सारी चीज़ें, ये इसका GPS डिवाइस है, आप देख सकते हैं इसको। और द बेस्ट पार्ट अबाउट इज़ कि इसमें कोई तार नहीं काटनी पड़ती, आपकी कोई वारंटी लॉस नहीं होगी, इसके साथ सारी फिटिंग इसकी ऑलरेडी मिलती हैं और सारी एकदम कपलर टू कपलर हैं, आपको कोई भी तार काटने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसकी फिटिंग हो सकती है। आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, हर जगह से आप देखिए, कहीं से भी कोई गैप नहीं है। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेटिव है, और इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन गाइज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं और आप मुझे मैसेज ड्रॉप किए व्हाट्सएप पे, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड हम लोग इसकी डिलीवरी पैन इंडिया कर रहे हैं एंड दे विल बी सम डिलीवरी चार्जेस विच यू हैव टू पे, ओके। सो द बेस प्राइस इज 9,800 एंड इट्स अ स्टेलर डील, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाओ गाइस, बाय बाय, टेक केयर।